वहीं छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसका सीधा असर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। बर्खास्तगी की चेतावनी का भी असर नहीं हो रहा, वहीं इस मसले पर प्रदेश का सियासी पारा भी हाई है। छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर से 13,000 एनएचएम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एनएचएम कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना काल में इन स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि जब ये लोग हड़ताल पर गए तो स्वास्थ्य मंत्री ने मार्मिक अपील की। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। प्रशासन एस्मा लागू होने का हवाला भी दे रहा है और काम पर न लौटने पर बर्खास्तगी की चेतावनी भी। चेतावनी वेतावनी नहीं, वो सीधे बर्खास्त होंगे। और अभी तो मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है। ये अपनी मांगों को पूरा कराने का ये बिल्कुल सही समय नहीं था। ये मांग उनकी बाद में भी पूरी हो जाती। कोरोना कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, जब ये ख़त्म हो जाता उनकी मांग भी पूरी हो जाती। लेकिन अगर ये अभी स्ट्राइक पे गए हैं तो बहुत ही गलत किए हैं। आज पूरे 28 जिलों में 13,000 कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। सरकार अपने घोषणा पत्र के वादों से मुकरी है और जो उनका घोषणा पत्र का वायदा था उसमें सरकार को जो नियमितीकरण का वादा पूरा करना था उसको नहीं कर पाई है। ये प्रदर्शित करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के साथ नहीं है बल्कि जनता के विरुद्ध है। एनएचएम कर्मी संघ की हड़ताल के बीच पूरे मसले पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी जहां सरकार पर पूरे मसले को ठीक से हैंडल न करने और वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस हड़ताल के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था खराब न होने का दावा कर रही है। विपक्ष में रहते हुए और चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में और इन्हीं संविदा कर्मचारी जो कि एनएचएम के कर्मचारी हैं, इनसे कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि सरकार में आते ही इनको रेगुलराइज किया जाएगा, इनका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, फलस्वरूप एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी उनको हड़ताल पर आना पड़ा। और इसका प्रभाव यह हो रहा है कि कोरोना के समय लोगों को तकलीफ हो रही है। भर्ती मरीज हैं जिन्हें इलाज की आवश्यकता है, जो हमारे टेस्टिंग के कारण जो प्रभावित मरीज हैं उन सबके इलाज के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो इस हड़ताल के कारण बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, न टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, न इलाज में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। और कांग्रेस पार्टी तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी भाई बहनों से अपील करती है कि देखिए, संकट के समय या राष्ट्रीय संकट का समय है, इस समय अपनी हस्तधर्मिता छोड़ के और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के सरकार का सहयोग देना चाहिए, देश की जनता का सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी फिलहाल झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर साफ दिख रहा है। कोरोना काल और वक्त की नजाकत को समझते हुए जल्द से जल्द अगर समस्या का हल नहीं निकला तो हालात बदतर हो सकते हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर।